हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग होंगे सेफ, हेल्दी एंड घर में होंगे, मज़ेदार खाना खा रहे होंगे एंड अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, जैसे कि हर कोई कर रहा है। मैं भी यहीं पे यही कर रही हूँ एंड अभी सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं एंड मैं फ्रेश अप हो चुकी हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिख रही हूँ। थोड़ा सा जो मेरा फेस है वो पफ़ी दिख रहा होगा, क्योंकि सो के उठने के बाद हर कोई का फेस कुछ इस तरीके का ही दिखता है मेरे जैसे। एंड आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। आज मैं नेचुरल हल्दी बनाने वाली हूँ, मतलब प्योर हल्दी जिसे कहते हैं वो बनाने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल होने वाला है एंड आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डाइट में इंक्लूड कीजिए, रॉ हल्दी खाइए एंड और भी बहुत कुछ कर सकते हैं रॉ हल्दी के साथ, तो वही मैं आज करने वाली हूँ। आई होप कि ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। अगर हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के साथ और भी जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो चलिए सुबह का बाबू का हॉर्लिक्स बना लेते हैं, जो कि हम लोगों का डेली का रूटीन है मॉर्निंग का। तो उसको हॉर्लिक्स पिलाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब मैं उसका नाश्ता बना दूं। एंड आज मैं दलिया नहीं बना रही हूँ, जो कि मैं 2 दिन से बना रही थी एंड मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है, बट आज मैं दलिया नहीं बनाऊंगी। आज जो भी बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो ब्लॉग को देखते रहिए। देखा ना आप लोगों ने कि बाबू ने हॉर्लिक्स पी लिया है, मैंने पिला दिया है एंड टीवी में थोड़ा सा गड़बड़ी आने के वजह से वो बुला रहा था कि क्या हो गया, अचानक से टीवी ऑफ हो गया था, बट वो अपने आप ही ठीक हो गया है। तो अब उसने हॉर्लिक्स पी लिया है, सब ख़त्म हो चुका है उसका काम। अभी थोड़ी देर बाद, आधा पौने घंटे बाद मैं उसको नाश्ता खिलाऊंगी एंड आधा घंटा इज़ एनफ है ना हॉर्लिक्स के बाद। एंड पसीना आने लग चुका है जैसे कि आप लोगों को दिख रहा हो, एंड मैंने लिप्स में वैसलीन लगाया है क्योंकि गर्मी तो मेरे फेस में पड़ रही है बट मेरे लिप्स में तो ड्राइनेस मुझे फील हो रही है एंड रात भर वो सूखा चमड़ा लेके मैं रह नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं रात भर भी अप्लाई करती हूँ एंड सुबह फ्रेश होने के बाद भी अप्लाई कर लेती हूँ वैसलीन, जो कि लिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड मॉइस्चराइजिंग होता है। तो बहुत सारे बातें कर लिए हैं, पहले हम लोग नाश्ता बना लेते हैं बाबू का, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नेचुरल प्योर हल्दी कैसे बनाया जाता है। नाश्ता तो मैं बनाऊंगी ही, बाबू का भी एंड हमारा एंड दोनों का अलग अलग बनने वाला है, तो दोनों की रेसिपी ही आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके के रेसिपीज़ हैं जो कि आप इजीली घर में बना सकते हो एंड हमें लॉकडाउन सिचुएशन में कुछ भी खाना हमें फेंकना नहीं है। जैसे कि सबको पता है कोरोना ने हमें खाने का वैल्यू सिखा ही दिया है, तो कल रात का बहुत सारा रोटी जो है वो बचा हुआ है, तो उसका मैं कुछ करने वाली हूँ। तो क्या करने वाली हूँ ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं बासी रोटी से क्या अमेजिंग सा नाश्ता बनाने वाली हूँ। साथ ही साथ और एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ, सुबह सुबह रेजिडी का जो सीरीज है वो तो स्टार्ट हो चुका है, तो पहला ट्रेजेडी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो आज मेरे साथ हुआ क्या, सुबह सुबह मैंने दूध उबालने के लिए रखा एंड इतना बड़ा मैस हो गया, ये सारा मुझे क्लीन करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि गंदा ओवन में हम लोग कुछ पकाएं वो अच्छा नहीं होता, तो इसलिए सबसे पहले ये क्लीन कर लेते हैं।
में सारा दूध का मलाई गिर गया है। बैड लक ही बैड लक। तो चलो मेरा गैस हो गया है क्लीन, अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। गैस हो गया है क्लीन, अब कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। तो कढ़ाई हो गई है गरम, देन उसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूंगी। बस जब रिफाइंड ऑयल गरम हो जाए मैं उसमें ऐड कर दूंगी सरसों की दाने। थोड़ा सा चटकने देते हैं। चलिए मैंने तो रख दिया है, अब बाबू का जो नाश्ता वो ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है। एंड ये जो ड्रम है मैं यहाँ रखती थी ना, मतलब वो जो बेंच है वहाँ रखती थी, बट नहीं, अभी हम लोग उसमें मटका रख रहे हैं, ब्लैक वाला मटका जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले ब्लॉग्स में शेयर किया है। तो ज़्यादा बातें नहीं करके एंड ब्लॉग को ज़्यादा खींचने से अच्छा मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूँ DIY प्योर हल्दी कैसे बनाया जाता है। एंड इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है प्योर हल्दी। जो खड़ी हल्दी होती है ना वो आपको चाहिए होती है, जो कि मैं पहले से लेके आ चुकी हूँ लॉकडाउन से बहुत दिन पहले। लॉकडाउन जब हुआ ना उसके 10-15 दिन पहले से मैं लेके आ गई थी, बट मैं इसको नहीं बना पा रही थी। सोचा अभी अच्छा मौका है बनाने का, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का, तो चलिए बनाते हैं। एंड आपको वो मतलब अच्छे से दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप लोगों को गर्मी लग रही है क्या? किचन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे, एंड वो रूम में फिर भी अच्छा है क्योंकि है उसमें फैन, बट इस रूम में देखो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये कुछ अदरक टाइप का दिखता है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और जिन्होंने देखा है उनको तो अच्छे से पता ही होगा। तो इन्हें मैं ग्राइंड करने वाली हूँ, बट उसके पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन करके छील लेती हूँ। क्या कहते हो, छीलना ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो ये जो इसका स्किन है वो भी हमारे मेन जो हल्दी है उसके साथ ग्राइंड हो जाएगा। तो हमें ये जो छिलका है स्किन है वो नहीं चाहिए होगा, इसलिए मैं इन सारे जो हल्दियाँ हैं उनको मैं अच्छे से छील लेती हूँ पहले, उसके बाद में बाकी का प्रोसेस दिखाती हूँ। देखो इतने सारे हल्दी हैं जो मैं लेके आ चुकी थी, बट यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो सोचा अभी अच्छा मौका है ना, तो इसे छील लेते हैं। वाव, कलर देख सकते हो आप, अमेजिंग। तो ज़्यादा बातें नहीं करके पहले मैं जल्दी से छील लेती हूँ। दस से 15 मिनट हो गए हैं इन्हें छीलते छीलते, एंड मुझे लग रहा है ये जो उनका स्किन है ना वो थोड़ा ड्राई हो गया है, इसलिए छीलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। शायद इनका जो स्किन वो सॉफ्ट रहता तो जल्दी छील जाता, मुझे ठीक से पता नहीं। आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने ऑलमोस्ट सारा
जो हल्दी है खड़ी हल्दी, उनको मैंने छील लिया है, अच्छे से छीलने की कोशिश कर रही हूँ। एंड एक बात बताना चाहती थी कि अगर आप लोगों को ये जो हल्दी है वो स्टोर करके रखना है, तो हमेशा से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। जैसे कि हर एक ड्राई मसाला या किसी भी चाल दाल को हम लोग अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही कंटेनर में आप इसे भी स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इसे ऑलमोस्ट 6 मंथ तक इजीली यूज़ किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे मैंने सारे हल्दी को अच्छे से छील लिया है, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो मैं कह रही थी कि इसे ना 2 टाइप से मैं कर सकती हूँ, बट मैं सिंगल जो मेथड है वही ट्राई करने वाली हूँ। मतलब कि इसे हम लोग पहले पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद ड्राई करके हम लोग स्टोर करेंगे, या फिर इसको छोटे छोटे कट्स बना लूँगी, फिर मैं इसको टोटली ड्राई करूँगी। 2 से 3 दिन लगेंगे इसे ड्राई होने के लिए, फिर उसके बाद ये बन जाएगा हमारा प्योर हेल्दी। बट 2 से 3 दिन मैं इसे ड्राई नहीं करूँगी, मैं 1 और 2 मेथड को मिक्सअप करने वाली हूँ। जैसे कि आज ही मैं इसे अच्छे अच्छे स्मॉल क्यूब्स में काट लूँगी एंड धूप में दे दूँगी, ताकि ये दिन भर में अच्छे से सूख जाए, देन उसके बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी। दिन भर अगर नहीं भी दूँ तो एटलीस्ट 2 से 3 आवर्स में इसे दूंगी ड्राई अप होने के लिए, देन उसके बाद मैं कर दूंगी इसे ग्राइंड अच्छी तरीके से। तो आप लोग कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मुझे जो ज़्यादा इजी लग रहा है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को जो सा इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले इसे जो है छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेती हूँ। यस, मैंने यहाँ पे जो है वो हेडफोन रखा है, ताकि मेरा जो वॉइस है वो अब तक अच्छे से पहुंच पाए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई माइक है नहीं, तो यही अच्छा माइक होता है, जैसे कि बिगनर्स में हर कोई यूज़ करता है, तो मैं भी यूज़ ना करूं तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं भी यूज़ कर रही हूं। तो आप देख सकते हो मैं कितने छोटे छोटे स्लाइसेस में काट रही हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं सारे जो हल्दी है उनको स्लाइसेस में काट लेती हूँ। एंड बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये ट्राई कर रही हूँ, पहली बार किसी ने मुझे ये जो तरीका एंड कुछ भी हेल्प नहीं किया है, मैं अपने मर्ज़ी से कर रही हूँ, क्योंकि अभी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है, तो लापरवाही ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बाबू को सर्दी खांसी हो रही है, एंड सर्दी नहीं भी हो रही है तो ज़्यादातर खांसी हो रही है, रात भर वो खांस रहा है एंड सो नहीं पा रहा है, फिर दिन में सो जा रहा है, तो ऐसे में तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी, उसकी जो रूटीन है वो ख़राब हो जाएगी, साथ ही साथ रात को बुखार टाइप का भी आ रहा है, उसको बदन उसका गर्म हो रहा है, तो मैं कुछ रिक्स नहीं लेना चाहती भाई, दूध वाले हल्दी वाला दूध या हल्दी ऐसे नॉर्मल खिलाओ पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग काफ़ी हद तक होती है। हाथों का तो हालत ख़राब हो रहा, मेरे उंगलियाँ तक हल्दी हल्दी हो जा रही है, बट कोई नहीं, चलेगा, सेहत के लिए कुछ भी। सच बताओ ना, मेरे बाबू का यही प्रॉब्लम है कि वो खाने में बहुत ही ज़्यादा नाटक करता है, इन द सेंस कि उसको पूछो कि बाबू भूख लगी है क्या, नहीं, कभी भी पूछ लो उसको वो नहीं ही बोलेगा, बट जब भी खिला दो वो खा लेता है। इसका मतलब क्या, उसको खुद को ही पता नहीं होता है कि कब उसको भूख लगती है, तो इसलिए बार बार उसे फोर्सफुली खिलाना पड़ता है मुझे। एंड क्या करें यार, कल सही में बहुत ही ज़्यादा मैं टेंशन में थी, जैसे कि आप लोगों ने कल का ब्लॉग अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो कितना ज़्यादा मैं टेंशन में थी, क्योंकि इतना ज़्यादा बुखार आ रहा है बच्चे को, तो फिर डॉक्टर के पास तो अभी नहीं ले जा सकती, बिकॉज ऑफ मुझे डर भी लगता है कि वहाँ किसी का कोरोना ना हुआ हो या किसी का जर्म्स वायरस ऐसे ना हो वहाँ पर, फिर वहाँ से ही फैल जाएगा, अच्छा करने गए तो और ज़्यादा बुरा हो जाए, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सर से बात करके दवाई ही मंगवा ली थी।
तो यहाँ पे मैंने सारे जो हल्दी है उनको कट कर लिया है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो चलिए इन्हें हम धूप में सुखा देते हैं, एंड कहाँ सुखाती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी एंड देख लो कि मैं कहाँ सुखा रही हूँ। एंड मेरे घर से जस्ट सामने ही कुछ गाड़ियाँ रखी हुई थी, तो मैं गाड़ी के ऊपर ही रख दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पास में है तो नज़र पड़ती रहेगी। हमारा सूजी जो है वो ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब खिला देते हैं जब तक हमारा हल्दी हम लोग सुखाने रखे हैं। उसके पहले गोपाल जी को दे देती हूँ मैं। गोपाल जी को खिलाने के बाद चलिए मैं किसी और को भी खिलाती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ आ चुका है एक गौ माता, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है हमारे सामने वाले घर की एक आंटी है, वो पहले खिला रही थी तो वही मैंने देखा था। फिर मैं भी अपना रोटी लेके आ चुकी हूँ, दो रोटी मैं लेके आ चुकी हूँ उसके लिए। एंड आप देख सकते हो उसको मैं खिला दे रही हूँ। पहला जो क्लिक था ना वो मुझसे शूट ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैं एक रोटी ही खिलाते वक्त आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। कोई नहीं, बट मैंने खिलाया ना, मुझे पता है, तो वही काफ़ी है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं गौ माता को थोड़ा सा प्यार कर ले रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ, इनकी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड गाइस, आप लोगों के घर के सामने भी कोई भी एनिमल्स दिखे, चाहे वो काऊ हो डॉग्स हो, उनको थोड़ा बहुत खाना दे दिया कीजिए क्योंकि इस वक्त में उनको भी बाहर खाने को नहीं मिलता होगा। तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा एंड उनके लिए भी। एंड बाबू को मैं बोल रही थी खिलाने, बट वो डरता है इसीलिए नहीं खिला रहा था। गौ माता को रोटी देते देते मेरा जो हलवा है सूजी का हलवा वो भी हो चुका था ठंडा, तो बाबू को जल्दी से खिला देते हैं क्योंकि सुबह हॉर्लिक्स खाने के बाद आराम से एक घंटा हो चुका था। तो मैं उसको सुबह का नाश्ता खिला देती हूँ क्योंकि उसे दवाई भी खिलाना होता है टाइम पे, तो लेट करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। चलिए मैं पूरा नाश्ता उसको खिला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बाबू को मैंने नाश्ता करवा दिया है एंड थैंक गॉड कि उसने जो फुल प्लेट था जितना मैंने निकाला था, मतलब जितना मैंने बनाया था, एंड जो प्लेट आप लोगों को मैंने दिखाया था कि जिसमें मैंने ठंडा करने के लिए रखा था, वो प्लेट का पूरा फिनिश कर दिया है थैंकफुली। एंड शायद थोड़ी देर तक वो अभी फुल रहने वाला है, तो मैं भी फ्री हूँ, तो सोचा कि चलो थोड़ी देर आप लोगों के साथ बात कर लिया जाए। एंड मेरा नेल्स देख सकते हो, मेरे हालत नेल्स की येलो हो गए हैं, अजीब सा दिख रहा है ना, बट क्या करें, नहाते वक्त मैं इसे क्लीन कर लूँगी। एंड अभी लेमन भी नहीं मिलेगा कि लेमन यूज़ करने से ये जो कलर है ना वो निकल जाता है, बट अभी लेमन जो है अवेलेबल नहीं है। लेमन क्या, कोई भी वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है जो कि हम लोग खा सके, यूज़ कर सके। एंड मिले तो सही ना, बट मिलती ही नहीं है। तो चाय हम लोगों ने अभी तक नहीं पिया है क्योंकि हस्बैंड सो रहे हैं एंड मैं उन्हें अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, तो जब तक सोना है उनको सो सकते हैं। छोड़ो भाई, उनका लाइफ जितना सोना है सो सकते हैं। मैं अभी ये 20-20 बिस्किट खाने वाली क्योंकि भूख लगी है, एंड अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, तो भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। एंड अभी गर्म पानी भी मेरा पीना नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एंड मैं बिस्किट एंजॉय कर लेती हूँ। आप लोगों ने अपना सुबह का नाश्ता किया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। हालांकि ये जो ब्लॉग है वो रात को जाएगा, आप लोग डिनर एंजॉय करते करते मेरा ब्लॉग देखोगे या डिनर करने के बाद देखोगे आराम से बेड में सो के। कुछ भी करो यार, कमेंट करके फिर बताना मुझे कि आप लोगों ने नाश्ते में आज क्या खाया। नाश्ता हमारा थोड़ी लेट से बनने वाला है, बट जो भी बनेगा मैं शेयर ज़रूर करूँगी आज का ब्लॉग में, स्पेशली मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ बना रही हूँ, तो बनता तो है। एंड कुछ भी खाऊँ सुबह 12 बजे से पहले तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वही होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन। लंच में आज शेयर नहीं करूँगी, तो
अच्छा लगता है मुझे ये, ये कैशुआ वाला फ्लेवर है। यस कैस कैसू। एंड अभी जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, फिल्म कर रही हूँ, वो आप तक रात को ही पहुँच जाने वाला है, क्योंकि मेरे पास कोई भी वीडियो प्री शूट किया हुआ नहीं है, जो कि मैंने कल शूट किया है एंड आज रात को आप तक पहुँचने वाला है। ऐसा कोई वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, तो जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, फिल्म कर रही हूँ, वो आज रात तक आप तक पहुँच ही जाएगी। तो चलिए मैं इसे फिनिश करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो थोड़ा बहुत जो मेरी हल्की सी छोटी सी भूख थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने खा लिया है बिस्किट। एंड अभी फ़िलहाल आधा पौने घंटे तक मुझे भूख नहीं लगने वाली है, तब तक मेरे हस्बैंड भी उठ जाएंगे एंड वो हेल्प करेंगे मुझे नाश्ता बनाने में, क्योंकि आज जो नाश्ता बनाने वाली हूँ मैं, वो बासी रोटियों के साथ बनाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया स्टार्टिंग में ही ब्लॉग के। तो आज जो है चूरा बनाने वाली हूँ। यस, चूरा मैं कैसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ विथ लेस इंग्रेडिएंट, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट जो एक डिश में पड़ती है वो तो अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड हम है क्वारंटाइन। तो जो जो इंग्रेडिएंट है मेरे पास उसी से मैं आज चूरा बनाने वाली हूँ। तो कैसे बनाती हूँ एंड कौन कौन सा इंग्रेडिएंट डाल के मैं चूरा को टेस्टी से टेस्टियर बनाने की कोशिश करूँगी, वो मैं आज के ब्लॉग में आप के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये है लेस इंग्रेडिएंट ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो आई होप कि आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए एंड आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अभी पानी भरने जा रही हूँ, क्योंकि आज है पानी भरने का दिन, क्योंकि हर ऑल्टरनेटिव डेज में हम लोग पानी भरते हैं, मतलब मंडे भरते हैं तो ट्यूसडे गैप, देन वेनसडे भरते हैं, थर्सडे गैप, देन फ्राइडे, सैटरडे गैप, फिर संडे, ऐसा करके भरते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम लोग कैसे पीने का पानी भरते हैं एंड नहाना धोना, बर्तन धोने का वो तो सारा पानी, वो जो मैंने बहुत ही पहले अपने ब्लॉग्स में शेयर किया था, वो जो क्या बोलते हैं नल का पानी आता है वो पानी से। एंड आप देख सकते हो मेरे हैंड्स में वो जो तेल का छींटा पड़ गया है ना, उसका मार्क पड़ गया है एंड यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, दिखा नहीं सकती अभी मैं। एंड हो सके तो कभी मैं फिर फुर्सत में शेयर करूँगी। एंड मेरा हाथ ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं गई थी किसी के हल्दी में, इसलिए मेरे हाथों में लग चुकी है हल्दी, ऐसा लग रहा है ना। तो होप आप लोगों ने समझ लिया हो कि आज का ब्लॉग होने वाला है किसके ऊपर, तो इंटरेस्टिंग तो होने वाला ही, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज पानी भर लेती हूँ मैं अभी फ़िलहाल, फिर मैं चाय बनाऊँगी, हस्बैंड को पिलाऊँगी, देन उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। पानी वानी भरने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाबू को दवाई खिलाने के लिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद ही हमें दवाई नहीं खिलानी होती है, थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं खिला रही हूँ उसको। तब तक मैंने पानी भर लिया, आप लोगों से बातें कर ली एंड अब वक्त आ चुका है दवाई की। दवाई उसे ड्रॉपर के रूप में देना पड़ता है, तो इसीलिए ईजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है एंड उतनी कड़वी नहीं है, इसलिए वो आराम से खा लेता है। तो चलिए अभी हस्बैंड का उठने का टाइम हो गया, जल्दी से चाय बनाते हैं।
प्लान में आया है थोड़ा सा चेंज, क्योंकि हस्बैंड ने पहले बोला था कि रोटी को चूरने में मदद करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि मैंने ग्राइंडर में रोटी को चूर दिया है, तो आज बस ये जो है ऑनियन एंड टोमेटो ही उन्होंने चॉप किया है और बाकी सब मुझे ही करना पड़ रहा है। तो चलिए मैं जल्दी से बना लेती हूँ बासी रोटी पोहा रेसिपी चूरमा, जो भी आप कह सकते हो। तो जितना भी हो उन्होंने हेल्प किया वो काफ़ी है, वो भी नहीं करते हैं तो किया है, तो दैट इज़ प्लस पॉइंट। तो वो गए हैं फ्रेश होने, तब तक मैं जल्दी से पोहा बना लेती हूँ एंड हमारा ब्रेकफास्ट टेस्टी रीयूजेबल ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, जो कि अच्छा होता है एंड और भी अच्छा होता है, कुछ भी आप समझ सकते हो ना। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। कढ़ाई को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है एंड आप देख सकते हो ये गरम भी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल, जो आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, मैं अपने अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो लेस इंग्रेडिएंट है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे एंड मैं भी फिंगर क्रॉस करके रखती हूँ कि अच्छा ही बने एंड ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। आप मेरे फिंगर्स देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा ना, इसका कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। जो भी करूँगी शेयर ज़रूर करूँगी। तो जल्दी से हमारा तेल गर्म हो जाए, उसके बाद बाकी का करते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं जीरा ऐड करूँगी, देन राई, देन उसके बाद करी पत्ते, थोड़े से चटकने देते हैं, देन उसके बाद मैं ऑनियन ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा नमक, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने टोमेटो जो रफली चॉप किया था हस्बैंड ने, उसमें मैंने हल्दी एंड मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है, ताकि अलग से मुझे ऐड ना करना पड़े। एंड हमारा जो ऑनियन है वो भी अच्छे से भुनने लगा है, थोड़ी देर और टाइम देते हैं इसे भुनने के लिए। आपको लग रहा होगा कि मेरा जो ऑयल है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट हमारा जो रोटी है ना वो ऑयल सोक कर लेता है, इसलिए थोड़ा सा टेस्टी लगने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है, ताकि ये जो डिश है वो हमारा अच्छा से पक सके। तो मैंने नमक उसमें ऐड कर दिया था पहले से, तो अब मैं ऐड कर देती हूँ हमारा टोमेटो। बस 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं, जस्ट 2 मिनट। तो हमारा 2 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको हटा देती हूँ एंड देख लेती हूँ। परफेक्ट, इसी में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पिंच ऑफ गरम मसाला एंड अभी मैं ऐड कर देती हूँ उसमें चूरा। गाइस मैंने यहाँ पे 3 to 4 रोटियाँ लिए थी एंड अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छे से कीजिएगा। आप देख सकते हो कि रोटी ने ऑयल को सोक कर लिया है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल ऐड किया था। एंड ये जो टाइम है जिसमें मैंने सारे चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से भुना था, तो भुनना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आए। साथ ही साथ आपने देख लिया कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड जस्ट और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर नमक कम हो तो नमक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हमारा डिश हो गया है परफेक्टली रेडी। एंड अब मैं इसे ढक देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक वॉशरूम से अभी तक नहीं आए हैं, तो उनके आते आते अगर मैं इसे निकाल के रखूँगी तो ठंडा हो जाएगा एंड हमें ठंडा नहीं करना है, इसे गरम गरम खाना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे ढक दूँगी, पहले मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ
परफेक्ट। नमक हमें नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अच्छा खासा पहले नमक दे दिया था। तो हो चुका है हमारा रेडी। इसे मैं अब ढक देती हूँ, गैस को कर देती हूँ बंद। मैंने इसे कवर कर देती हूँ, जब तक मेरे हस्बैंड आ रहे तब तक ये गर्म रहेगा। तो हमारा जो रोटी का जो चूरमा या रोटी का पोहा जो था वो मैंने बना लिया है। एंड इसका जस्ट सिंगल इंग्रेडिएंट मैंने नहीं ऐड किया है, वो है मूंगफली। मूंगफली ऐड करने से इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा अमेजिंग होता है। बट इसमें जो जो मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किया है ये फ़िलहाल के लिए एनफ है, एंड इसमें खाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट मूंगफली ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है। तो अगर आपके पास मूंगफली है तो उसे पहले फ्राई कर लीजिए, देन उसके बाद आप जब पोहा ऐड कर रहे हो तभी वो मूंगफली भी ऐड करके मसाले के साथ अच्छे से भून लीजिएगा, तो आपका पोहा हो जाएगा रेडी। एंड मैंने ऐड नहीं किया था तो मेरा जो ये पोहा है वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज होने वाला है। तो वो तो मैं मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो हस्बैंड भी आ चुके हैं, अब मैं पोहे निकालती हूँ एंड फिर मैं वीडियो को करूँगी, जो भी करूँगी आप लोगों को देखने को तो मिल ही जाएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। थोड़ा सा आज दे पाओगे? थोड़ा सा और दो बाबू का बेटा। फिर से मुझे चाय बनानी पड़ रही है क्योंकि पोहे के साथ चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। सॉरी एंड बहुत ही ज़्यादा सुबह का जो हेक्टिक होता है वो हो गया है कंप्लीट फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों ने हैवी नाश्ता कर लिया है, थोड़ा सा ही किया है जो भी किया है। एंड आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने लेस इंग्रेडिएंट से कैसे चूरा बनाया है। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट ना हो जो कि डलता हो उस डिश में तो इस तरीके से बना के आप लोग खा सकते हो। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, होम क्वारंटाइन है हम लोग, तो हर एक चीज़ जाके लेके आके बना तो नहीं सकते हैं ना। तो जो है घर में हम लोग उसी से बनाते हैं एंड खाना वेस्ट नहीं करते हैं फिलहाल, अभी कुछ दिनों के लिए। पता नहीं बाद में क्या होने वाला है, अगर ये क्वारंटाइन सिचुएशन नहीं चलता, लॉकडाउन नहीं होता तो होपफुली मैं जो ये बासी रोटियां हैं वो गाय को दे देती, नहीं तो हमारे यहाँ डॉगीज भी आते हैं पिगीज भी आते हैं मैं उनको दे देती। बट मैं नहीं खाती, मुझे पता नहीं ऐसे बासी रोटी खाने से कुछ हो जाता है, मतलब एसिडिटी या ऐसे गैस टाइप का बन जाता है। तो मैं रिक्स नहीं लेती हूँ इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। बट लॉकडाउन है, बार बार अच्छा भला नाश्ता लंच डिनर ऐसा तो बार बार नहीं खा सकते हैं ना। तो रीयूज़ कर करके हम लोग खा रहे हैं अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए। आप लोग भी ऐसा कीजिए, बाहर मत जाइए क्योंकि अभी इंदौर का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया है, क्योंकि डे बाई डेज जो पेशेंट के जो नंबर्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस घर में रहिए, घर में जो है वही बना के खाइए एंड सेफ रहिए। यही बस मेरा आज का जो
बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी वो है कि घर में रहिए, सेफ रहिए, जो है उसी से खाइए पिए, मज़े में रहिए, बाहर जाने की कोई टेंशन मत लीजिए। हाँ, दूध ज़रूरत होती है, मुझे भी पता है, तो दूध लेके आइए जैसे कि हम लेके आ रहे हैं, बट लेके आके भी हमें उस पैकेट को अच्छे से वॉश करना है, हैंड सैनिटाइज करना है। एंड मुझे तो ये भी लगता है जो मनी, जो पैसे हैं, नोट हैं, कॉइन्स हैं, उन्हें भी हमें सैनिटाइज करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें भी जर्म्स होते हैं जो कि हमारे हाथों में आ जाता होगा, ट्रांसफ़र हो जाता है, एंड उसी हैंड्स को हम अगर मुँह में लेते हैं या फेस में लगाते हैं तो फेस से वो अंदर चला जाता है। तो हमें नोट्स एंड कॉइन्स को भी सैनिटाइज करना चाहिए, तो आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। एंड वो कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, एंड ब्रेकफास्ट रूटीन में इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड अगर कोई हो वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। एंड आज के ब्लॉग को फिर मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड आज बाबू का जो हेल्थ का अपडेट थोड़ा सा मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि सर्दी हो गई है पूरी तरह से ख़त्म, एंड खांसी थोड़ी बहुत उसकी चल रही है, एंड जो बदन उसका गर्म होने का है वो तो गर्म हो ही रहा है, बुखार ठीक से नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, हम लोग थर्मामीटर से मेज़र कर रहे हैं बट बुखार नहीं दिखा रहा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आज सुबह फिर से मैं करूँगी उसको नहाना धोना के बाद, फिर मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में अपडेट कर दूँगी कि उसका हेल्थ कैसा है। आप लोग भी थोड़ा बहुत टेंशन ले रहे होंगे, पता है मुझे, क्योंकि आप लोग मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स मानते होंगे, बाबू को भी अपने छोटे बच्चे की तरह समझते होंगे, तो थोड़ा टेंशन तो आप लोगों को भी होता होगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया, थोड़ा सा अपडेट दे दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए मुझे, मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।